नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MS News 2019 में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है EPS 95 पेंशनर्स को लेकर, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। EPS 95 पेंशन भोगी की पेंशन में वृद्धि के लिए गृह मंत्री श्री अमित शाह से सिफारिश। जी हां फ्रेंड्स, गुजरात स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मचारी, सभी बोर्ड निगम, मिल्क यूनियन कंपनी, फैक्ट्री, सहकारी समिति, औद्योगिक इकाइयां, बैंक, प्रेस, मिल इत्यादि के गुजरात राज्य के करीबन 15 लाख से अधिक तथा 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मिल के 65 पेंशनर भाई बहन हैं। वो EPS 95 योजना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भाई बहनों ने 35 से 40 वर्षों तक अपने जीवन के आधे से अधिक समय के लिए विभिन्न विभागों में सेवा की है। उस समय हर महीने 417 से लेकर 541 रुपये राशि काटी गई है और EPS फंड में जमा किया गया। अगर हम इसकी गणना करें तो EPS फंड में लाखों रुपये से अधिक जमा हो चुके हैं। इसके विरुद्ध उन्हें प्रति माह 300 रुपये से 2500 रुपये की निश्चित पेंशन मिल रही है। इसमें महंगाई तथा आरोग्य भत्ता नहीं मिल रहा है। EPS 95 योजना के बुजुर्गों को जो स्थिति में रह रहे हैं, 70 से 80 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके हैं, अधिकांश बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं। बहनों सही, महंगाई के इतने समय में भी दूध या सब्जियाँ इतनी कम मात्रा में उपलब्ध नहीं है। पेंशनर पेंशन की तनाव कई तरह की चिंताओं से घिरा हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अध्यक्ष श्री राउत साहब पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली से लेकर जिलों तक विभिन्न आंदोलन के साथ दिल्ली में भारत सरकार के लिए सिफारिशें और निरूपण कर रहे हैं। मथुरा की सांसद सुश्री हेमा मालिनी जी के माध्यम से पेंशन बढ़ाने के लिए 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ आमने सामने की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने सकारात्मक रूप अपनाया, फिर महामारी के कारण देरी हुई, हालांकि प्रधानमंत्री श्री मोदी से हमें पूरा भरोसा है। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी।